हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एवरेज के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बैट्समैन और खिलाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैट्समैन क्रिकेट वगैरह उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा करके लाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक बैट्समैन के 10 पारियों का औसत 36 है, वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। देखिए, हमको पता नहीं है तो सीधा करते हैं। एक बैट्समैन है, वो कितनी पारी खेला है? 10 पारी। तो 10 पारी का औसत कितना दिया है? 36 दिया हुआ है। जितना दिया है उतना आप लिख सकते हैं तीर लगा करके। वो अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। तो अगली पारी एक पारी खेलेगा तो 10 में एक पारी जुट जाएगा, तो कितना पारी हो जाएगा? 11 पारी। तो 11 पारी जब खेलेगा तो 11वीं पारी तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाता है। तो जितने की वृद्धि होता है या कमी होता है, उससे नए वाले पारी की संख्या मतलब पूरा ऐड होने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 11 33 हो जाएगा। तो जब आपका 11 33 हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका 10 पारी का औसत 36 था और 11 पारी खेल रहा था, औसत में 3 की वृद्धि हो रहा है, तो टोटल 33 हो गया। तो आप कह रहा है कि वह अगली पारी में कितना रन बनाया कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। तो अगली पारी में बनाया गया रन यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे 36 और 33 को, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 रन। जब 69 रन बनाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी और मेथड से, लेकिन हम ये बहुत ही इजी मेथड से बताए हैं। ये आपको सब लोग नहीं बताते हैं क्योंकि सबको पता भी नहीं रहता ऐसा मेथड। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपको बता दिया 10 पारी का औसत 36, एक पारी खेलेगा तो 10 से 11 हो जाएगा, 11 में औसत में 3 की वृद्धि हो गई, तो +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कमी होती तो -3 से मल्टीप्लाई करते, जहाँ पे कमी होगी माइनस से, अगर यहाँ पे माइनस से करते तो माइनस हो जाता तो घट जाता, लेकिन हालांकि ये वृद्धि हुई तो प्लस से किया है तो 69 रन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि एक खिलाड़ी के 8 पारियों का औसत कुछ था, एक खिलाड़ी के 8 पारियों का औसत कुछ था। तो हमको पता नहीं है, तो 8 पारी खेला है उसका औसत कुछ है, तो हमको पता नहीं है कितना है, तो एक्स मान सकते हैं या क्वेश्चन मार्क कुछ भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है उसने अगली पारी में 88 रन बनाए तो औसत में उसकी 3 की वृद्धि हो गई। तो अगली पारी खेलेगा तो 8+1 खेलेगा तो 9 पारी हो जाएगा, तो उसका औसत में कितनी की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हो गई। तो औसत में 3 की वृद्धि होने से क्या हो रहा है? तो पुराने औसत का मान ज्ञात करना है, हमको पुराने औसत का मान ज्ञात करना है। तो औसत में 3 की वृद्धि हो गई तो 9×3 तो फिर कितने हो जाएगा? 27। अब देखिए, तो 27 रन इसमें बनाया है 9 पारी खेलने के बाद, औसत उसका 27 हो जा रहा है। तो अगली पारी में 88 रन बनाया है, तो अगली पारी जो होता है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 88। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि x+27=88, क्योंकि उसी का मान है हमारा ये 88, जैसे इसमें बताए थे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, 88 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो x का मान जो है 88 में से घटा देंगे तो 27, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 88 में 27 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका, ये 27 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 1 और ये 2 6। तो 61 रन बनाएगा अगली पारी में, कितना बनाएगा? 61 रन। तो आपका आंसर आ जाएगा 61 रन बनाया हुआ है इस अगली पारी में। तभी पुराना जो औसत था इसका, पुराना औसत 61 रन का था, तभी जाकर के अगली पारी में 3 रन के औसत की वृद्धि हुई है तो 88 रन बनाया है। तो इस प्रकार से आपसे जो भी पूछा जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको भी कोई अदर मेथड आ रही हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत आसान मेथड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 42 विद्यार्थियों के आयु का औसत 137 है एवं अन्य 98 विद्यार्थियों के आयु का औसत 124 है, तो सभी विद्यार्थियों का आयु का औसत ज्ञात करना है। देखिए, आपसे कुछ हार्ड नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं, आपको बस ध्यान से देखना है और आपका सामान्य मेथड से भी हो सकता है और हम बहुत इजी मेथड से बताएंगे। तो देखिए, आपको कह रहा है 42 विद्यार्थियों का औसत 137 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ लीजिए क्योंकि दो पार्ट में दिया हुआ, तो एक 42 विद्यार्थी हो गए, एक 98 विद्यार्थी हो गए। तो 42 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ? 137, और एक्स में 98 विद्यार्थियों का औसत 124। तो अब यहाँ तक तो आपको कुछ करना नहीं, बस लिखना है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत पूछा है, तो देखिए इसको हम काट कर छोटा कर लेते हैं, अगर ये भी कटता तो इसको भी काट लेते, लेकिन ये कट जाएगा। 14 + 42 और 14 + 98, देखिए ये 3 7 हो गए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, दोनों को ये एवरेज दिया हुआ है 137 और इसका दिया हुआ 124, तो इन दोनों के बीच में जो है एक संख्या मान लेते हैं जिससे कि हम सोल्यूशन करने में आसान हो जाए। तो 137 और 124 के बीच में हम ऐसी संख्या मान सकते हैं कोई भी, तो हम मान लेते हैं वन टाइम के लिए 130,
तो 130 जब मानेंगे तो यहाँ से 137 से 130 जो है प्लस 7 अधिक है, मतलब हाँ आइए 124 जो है माइनस 6 है यानी कम है 6। तो यहाँ से बस जितना संख्या कम अधिक होता है इससे इसके अनुपात में गुणा कर लेते हैं, यानी इसको काटे हैं तो इसको गुणा करते हैं। 3 7 कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 माइनस 42 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, अब देखिए, अब ये जो संख्या है ये जो है आपका 7 और 3, ये जो है 7 और 3, ये जो आपको काटने के बाद संख्याओं की संख्या इसे जोड़ के भाग देते, इसको जोड़ करके भाग देते हैं। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 7 कहिए, 7 + 3 कहिए, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से घटाएंगे तो माइनस 21 हो जाएगा, अपन 10 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2.1, माइनस का 2.1 आएगा। तो अब माइनस का आने का मतलब ये हुआ कि इसका जो है जो हमको औसत माने हुए है 130 जो माने हैं औसत, ये माइनस में आने का मतलब ये होगा कि इसमें से घटेगा। तो 130 में से हम घटा देंगे 2.1 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 127.9। 127.9 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट और लगेगा, ये भी देख लीजिए, ये बहुत आसान मेथड है इसलिए बता दिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3 कक्षा XYZ जिनमें उपस्थित विद्यार्थी क्रमशः, 3 कक्षा है XYZ, उसमें 2 ही पार्ट में था, इसमें 3 पार्ट में है। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 कक्षा है तो इसमें 3 डंडा लगा लीजिए, 3 डंडा लगा लीजिए, तो XY और Z, तो 3 कक्षा के लिए 3 डंडा लगा लीजिए, क्रमशः 27, 36 और 45 विद्यार्थी है। तो 27 इसमें लिख लीजिए, 36 इसमें और 45 इसमें, इसको काट करके छोटा सा कर लीजिए, 9 से काटेंगे 3 4 और 5, ये आगे अनुपात। अब यहाँ पे देखिए आगे का करना है, और उनकी औसत आयु का, उनकी आयु का औसत जो है औसत क्रमशः 83, 76, 85 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 83, 76 और 85। यहाँ पे लिखने के बाद क्या करेंगे, अब आपको पुराना मेथड लगाना है, तो इन दोनों के, इन सब के बीच में कोई संख्या मान सकते हैं। तो मान लीजिए 80 मान लेते हैं यहाँ पे हम, तो जब 80 मान लेंगे तो क्या होगा, 80 जब मान लेंगे यहाँ पे, तब इसे ये प्लस 3 अधिक है, ये माइनस 2 है, माइनस 4 है, और ये प्लस 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है इनके अनुपात में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और उसको जोड़ घटा देंगे, और जो संख्या रहती है ये अनुपात वाली इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये पहले जोड़ लीजिए, 3 + 4 + 5, तो 3 + 4 + 5 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3 3 9 प्लस का 9 हो जाएगा, और ये देखें माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 में तो माइनस 16, फिर इसको प्लस 5 से करेंगे प्लस 5 में तो प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से, ये हो जाएगा 16 जो है 25, 9 घट जाएगा 16 में से तो माइनस 7 हो जाएगा, और 25 में से घट जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 / 3 4 7 5 12, तो ये 12 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे भी काट सकते हैं 36 18 6 2 12, तो ये आ जाएगा प्लस का 1.5, यानी डेढ़ आएगा। प्लस का 1.5 आने का मतलब क्या हुआ कि जितना हम औसत के लिए माने हैं अपने मानक संख्या 80 माने हैं, तो 80 में क्या होगा 1.5 जुट जाएगा, तो 80 + 1.5 जो हो जाएगा इन सब का औसत हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 81.5 जो हो जाएगा इन सब लोगों का औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं, कह रहा है कि XYZ जो है उपस्थित विद्यार्थी, उनमें कक्षा में विद्यार्थी उपस्थित 27, 36, 45, और उनकी औसत 83, 76, 85 है। तो अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, 36, 27, 45 को 3 4 5 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो एक ही संख्या से काटते हैं। अब इसमें एक मानक संख्या मान लेते हैं बीच में औसत, और उसके बाद इसको काटने के बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप इसको सबको जोड़ देते हैं और इनके संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं नीचे, जैसे 3 4 5 से इसे नीचे डिवाइड कर दिए, तो 18 / 12, देखिए माइनस वाला घटा देते हैं, प्लस वाला समझो मैंने जो बड़ा रहता है घटा देते हैं, और छोटे वाला जो जितना बचता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3/2 यानी डेढ़ बचा है। और जितना हम मानक औसत मानते हैं उसमें अगर प्लस में आता है तो उसको जोड़ देते हैं, माइनस में आता है तो उसमें घटा देते हैं। तो इतना आ गया आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।